जी हाँ दोस्तों, 12 जून को रिलीज़ हो गई है गुलाबो सीताबो, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है, ना कि बड़े पर्दे पे। फिल्म में हमें ज़्यादा कोई गाना देखने को नहीं मिला है, बस धुन ही धुन देखने को मिल रही है। एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना जी ने सबका एक बार फिर से दिल जीत लिया है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में। अपनी हर फिल्मों से अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना जी हर किसी का दिल जीत ही लेते हैं। ऐसे में अमेजोन प्राइम पर रिलीज़ हुई गुलाबो सीताबो ने भी दिल जीत लिया है। आपको बताया दोस्तों, आयुष्मान खुराना लीड रोल में नज़र आ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, और सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है मूवी को, जबकि जूही चतुर्वेदी ने फिल्म की कहानी लिखी है। लॉकडाउन की वजह से सारे सिनेमा हॉल बंद है, इसलिए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा हो चुकी है ये फिल्म। लेकिन हर तरफ यही चर्चा थी कि गुलाबो सीताबो ने कितने पैसे कमाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बड़े पर्दे फिल्म रिलीज होती है 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये, इस प्रकार से बीती कुछ फिल्मों ने आयुष्मान खुराना की कमाई की थी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी की फिल्में तो काफ़ी सुपरहिट साबित होती हैं, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट तो नहीं आ रही, क्योंकि सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, इसलिए इसकी अमेज़न प्राइम वीडियो से हुई कमाई के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि गुलाबो सीताबो के प्रोड्यूसर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर बेचने से निर्माताओं को अच्छा खासा फायदा हुआ है। फिल्म का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। फिल्म के प्रमोशन में कोई खासा खर्चा नहीं हुआ, और सूत्रों के मुताबिक अमेजोन प्राइम वीडियो ने फिल्म को लगभग 61 करोड़ यानी 61 करोड़ रुपए में खरीदा। इस तरह फिल्म अच्छे खासे फायदे में रही। यही नहीं, फिल्म के विश्लेषक मान रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म में भारत में पाँव जमाने के लिए बड़े नाम चाहिए, इसलिए वह अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। यानी कि अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स कुछ और बड़ी हिट फिल्में लेकर आते हुए दिखाई देंगे हमें अपकमिंग महीनों में। हमें देखने को मिलेगी बड़े पर्दे की जगह फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हुई दिखाई देगी, जो दर्शकों की पसंद बन जाएगी। लेकिन किस प्रकार से COVID-19 कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े पर्दे फिल्म ना रिलीज करते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सूझबूझ का दिखाती है किस प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाता है। ऐसे में लॉकडाउन में भी कई प्रोड्यूसर की चांदी होने वाली है। इस तरह गुलाबो सीताबो दर्शकों के लिए आ चुकी है, और लॉकडाउन के दौरान भी वीकेंड पर ढेर सारी मनोरंजन का डोज मौजूद है OTT प्लेटफॉर्म पे। गुलाबो सीताबो के बाद हमें देखने को मिलेगी शकुंतला देवी, लक्ष्मी बॉम्ब, राधे शायद रिलीज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान की फिल्म को लेकर अभी थोड़ी बहुत अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब हॉटस्टार पर रिलीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है, हॉटस्टार प्लस डिज्नी पे। शकुंतला देवी भी हम बहुत जल्द रिलीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है, और हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन के बाद उनकी फिल्म दिल बेचारा भी हमें बहुत जल्द हॉटस्टार प्लस डिज्नी पे देखने को रिलीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी गुलाबो सीताबो की फिल्म की कमाई की पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।